अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल यूनानी स्कॉलर. माई सेल्फ डॉक्टर बुशरा अब्रार, बीएमएस एमडी इल्म लतविया फ्रॉम एकेटीसी एएमयू अलीगढ़. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी एनिमल ओरिजिन ड्रग्स अद्वीय हैवानियाँ. सरेशम माही को साइंटिफिक नेम है इसका, एसिपेंसर होसोई जिस मछली से निकाला जाता है उसका साइंटिफिक नेम है, लेकिन जनरली सरेशम माही को हम आइसिन ग्लास के नाम से जानते हैं. ज़्यादातर बुक में इसका नाम आपको आइसिन ग्लास ही मिलेगा. अब जानते हैं सरेशम माही को आखिर सरेशम माही क्यों कहते हैं. सरेश कहा जाता है जिलेटिन को और माही यानी कि मछली. तो दरअसल ये सरेशम माही क्या है, एक तरह का जिलेटिन है जो कि मछली से हासिल किया जाता है, इसलिए इसको सरेशम माही नाम दिया गया है. अब जानते हैं इसके वर्नाकुलर नेम्स. तो इसे आइसिन ग्लास इसे कॉमनली कहा जाता है, इसे जिलेटिनम भी कहते हैं और गरियुद समक भी कहते हैं, क्योंकि ये ख़ास किस्म की मछली होती है जिससे सरेशम माही हमें हासिल होता है. अब बात करते हैं इसकी माहियत मॉर्फोलॉजी की. तो जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे इस तस्वीर में, ये सरेशम माही है. ये दरअसल मछली का स्विम ब्लैडर है जिसके अंदर हवा भरी होती है, मछली के पेट में होता है जिससे मछली को तैरने में काफ़ी मदद मिलती है. सरेशम माही को इसी स्विम ब्लैडर से हासिल किया जाता है. ये जो स्विम ब्लैडर होता है इसकी जो वशाए मुकाती इंटरनल मेम्ब्रेन होती है इसके अंदर एक जिलेटिनस मैटर भरा होता है. इसी जिलेटिनस मैटर को निकाल कर सरेशम माही के नाम से इस्तेमाल किया जाता है. इसके लिए मछली को जिंदा हालत में निकाल लिया जाता है या फिर इसके मरने के बाद इसका स्विम ब्लैडर हासिल कर किया जाता है और फिर इसे स्विम ब्लैडर से इसको खुरच कर सरेशम माही को निकाल लेते हैं और फिर इसका सफ़ूक बना के इस्तेमाल किया जाता है. इसमें सरेशम माही में काफ़ी मकदार में प्रोटीन भी होता है, इसलिए काफ़ी सारी ग़िज़ाओं में दूसरी कंट्रीज़ में इसको ग़िज़ाइत के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है. न्यूट्रिटिव वैल्यू भी इसकी काफ़ी अच्छी है और इसे यूरोपियन कंट्रीज़ में शराब वाइन को क्लेरिफाई करने के लिए, उसे प्यूरीफाई करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं. अब बात करते हैं इसके मिजाज की. तो इसका मिजाज पहले दर्जे में गर्म खुश्क है. इसके एक्शंस हैं अफाल हैं, ये मुगर्री होता है. मुगर्री कहते हैं ग्लूटिनस यानी कि ये चिपक और लेस पैदा करती है और इसकी वजह से जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये उनके मुंह पर चिपक और लेस पैदा करके जो उनके ब्लीडिंग हो रही होती है ये ब्लीडिंग को रोकती है ब्लड वेसल्स का मुंह बंद करके और इसकी वजह से जो जिरियान ब्लीडिंग के सबब को रोक देती है. ये मुजफ्फ होती है, सिकेक्टिव है यानी कि जो जायद रतुबात होती है उन रतुबत को ये खुश्क करती है. मुदम्मिल खरू है यानी कि वूंड हीलर, जो ज़ख्म होते हैं ये ज़ख्मों को भरती है. अब जान लेते हैं इसके यूजेज इस्तेमालात. तो इसको सिल वदिख में यानी ट्यूबरक्लोसिस और थाइसिस में इस्तेमाल किया जाता है, इसकी बहुत अच्छी दवा मानी जाती है. सिल कहा जाता है जो ट्यूबरक्लोसिस के नतीजे में जब लंग्स में कैविटीज़ फॉर्म हो जाती है, ज़ख्म हो जाता है और इससे ब्लीडिंग होने लगती है, उस कंडीशन को सिल कहते हैं. और इसी सिल के नतीजे में नफसुंतम होने लगता है यानी कि जब पेशेंट को बलगम खारिज होता है उसके मुंह से तो उसमें खून आने लगता है. नफसुंतम में भी इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है सरेशम माही का. स्किन डिसीज़ में जैसे बर्स बहक में इसका सफ़ूफ करके इसे सिरके में मिला के एक्सटर्नली अप्लाई कराया जाता है. वुंड हीलिंग में भी इसका काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है. ज़ख्मों को भरने के लिए इसका जो पाउडर होता है वो ज़ख्मों पर डस्टिंग की जाती है, उसकी ज़ख्मों पे छिड़का जाता है ये. अब बात करते हैं इसकी मकदार ख़ुराक की. तो इसकी मकदार ख़ुराक 3 से 5 ग्राम है. इसको सफ़ूफ बना के 3 से 5 ग्राम की मकदार में या तो शहद के साथ हम इस्तेमाल कराते हैं या फिर सिरके के साथ इसको लोकली लगाते हैं जितनी ज़रूरत हो. इसमें कीमियावी अज्जा प्रोटीन पाया जाता है. प्रोटीन इसमें काफ़ी क्वांटिटी में होता है, फैट भी होता है इसमें और मेनली ये जिलेटिनस सब्सटेंस तो है ही. अब जानते हैं इसका मुज़िर यानी एडवर्स इफ़ेक्ट. तो इसका एज सच कोई एडवर्स इफ़ेक्ट नहीं है, ये क्योंकि गर्म मिजाज की दवा है, इसलिए गर्म मिजाज के जो लोग होते हैं उनमें इसे एहतियात के साथ इस्तेमाल कराना चाहिए. इसका जो मुसले है बहीदाना, इसको बहीदाना के साथ इस्तेमाल कराना चाहिए गर्म मिजाज के लोगों में.
इसका मशहूर मुरक्कब है हब्बे गर्युल सिमक, इससे हब बनाई जाती है हब्बे गर्युल सिमक के नाम से। और इसका सफ़ूफ आता है सफ़ूफ नफसुद्दम, यानी हेमोप्टाइसिस के लिए ये सफ़ूफ होता है। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू। कोई क्वेरी हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।